शहरी नक्सलियों की हिट लिस्ट पर पीएम मोदी। देश बड़े खतरे में है, इस देश के विघटन करने के लिए काम कर रहे जो माओइस्ट कर रहे हैं विदेशी ताकतों के साथ और कांग्रेस पार्टी के साथ, उसका हम डट के विरोध करते हैं। ये सारे लोग मिलकर के नरेंद्र मोदी के खिलाफ ही नहीं, जान लेने पर उतारू है। मोदी के खिलाफ शहरी नक्सलियों की सबसे बड़ी साजिश। जो आरोप लगे हैं उसका कोई एविडेंस नहीं है, उसका कोई सबूत नहीं है। तो ये तो एक तरह का डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी ही हो गया। इस तरह से अगर आप ऐसे ऐसे लोगों को अरेस्ट करेंगे। ग्यारह शहरों में नक्सली नेटवर्क पर बहुत बड़ा खुलासा। लेफ्ट विंग करे, राइट विंग करे, कोई करे, तो उसको ढूंढना, उसके अगेंस्ट एक्शन लेना, ये सरकार का कर्तव्य है। एक्टिविस्ट के मुखौटे के पीछे नक्सल आतंक का चेहरा। निशाने पर देश का प्रधान, फिर भी सियासत मेरा काम। ये हम समझते हैं कि एक तानाशाही का प्रवृत्ति है। शहरी नक्सली गिरफ्तार, साजिश के कितने किरदार। ये इस तरह की हरकतें ये सरकार कर रही है जो बिल्कुल इमरजेंसी की याद दिला रही है। पीएम मोदी की हत्या की साजिश का रोड शो कनेक्शन। टारगेट मोदी मिशन में लाल सलाम गैंग के पीछे कौन। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ शहरी नक्सलियों की साजिश के तार अब एक एक करके खुल रहे हैं। कल हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र और हैदराबाद से हुई गिरफ्तारी ये बताती है कि साजिश के तार बहुत बड़े हो सकते हैं। ज्यादा खतरनाक बात यह है कि जिन चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो एक व्यक्ति हाउस अरेस्ट हुआ है, वो या तो मानवाधिकार संगठन से जुड़े एक्टिविस्ट हैं, पत्रकार हैं, वकील हैं। जी न्यूज को पता चला है कि देश के 11 शहरों में शहरी नक्सलियों ने नेटवर्क फैला लिया है, लेकिन इस संवेदनशील मामले पर भी सियासत शुरू हो गई है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पक्ष में दलीलें दी जा रही हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा है कि सभी एक्टिविस्ट को जेल में भेज दो और जो शिकायत करते हैं उन्हें गोली मार दो। सवाल यह है कि सुरक्षा एजेंसी जब अपना काम कर रही है, ऐसे में किसी राजनीतिक दल को अपना फैसला सुनाने की जल्दी क्यों। सूत्रों के मुताबिक इस वक्त हम सबसे बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। पीएम के खिलाफ साजिश में इस साल जून में पहली गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तार लोगों से 225 डॉक्यूमेंट और 30 TB डेटा बरामद हुआ। इन डॉक्यूमेंट से नक्सली और अलगाववादियों के संबंधों की जानकारी मिली। यह भी खुलासा हुआ कि जिस पत्रकार गौतम नवलखा को कल गिरफ्तार किया गया, वो अलगाववादियों और नक्सलियों से संपर्क में था, बीच की कड़ी था। 2010 में गौतम नवलखा को कश्मीर में एंट्री नहीं दी गई थी। मई 2011 में गौतम को श्रीनगर एयरपोर्ट से लौटा दिया गया था। यह बताया गया कि गौतम से कश्मीर की शांति को खतरा था, इसलिए लौटाया गया। दिसंबर 2011 में गौतम ने श्रीनगर में एक सभा को भी संबोधित किया था। अंकुर त्यागी इस वक्त ऑनलाइन पर मौजूद है। अंकुर, जहां एक तरफ विपक्ष जो है इन गिरफ्तारियों को निशाना बना रहा है, हालांकि सुरक्षा एजेंसी अपना काम कर रही है और बाकायदा जो क्ल्यू मिले लगातार जो कड़ी थी उसके मुताबिक ही ये गिरफ्तारियां हुई हैं, इस वक्त क्या कहना है सुरक्षा एजेंसियों का, क्या कुछ और इसमें खुलासा हो रहा है? अंकुर, क्या आपको आवाज आ पा रही है? लगता अंकुर तक आवाज नहीं पहुंची है। तो कुल मिलाकर के भले वो राहुल गांधी का ट्वीट हो, यहां पर तमाम और भी हमने देखा है विपक्ष को कि आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पीएम मोदी के खिलाफ साजिश की है। पहला खुलासा जिस वक्त हुआ था, बाकायदा लैपटॉप बरामद हुआ था, एक साहित्य बरामद हुआ था, वो चिट्ठी बाकायदा बरामद हुई थी और उसके बाद से ये तार वहीं से जुड़ने शुरू हो गए थे। उसके बाद कल
सुनियोजित तरीके से तमाम जगहों पर रेड्स हुई और गिरफ्तारी हुई। महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में देश में अलग अलग जगहों पर एक साथ हुई छापेमारी के बाद जो गिरफ्तारियां हुई हैं, उसके तार प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की साजिश से जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली, हरियाणा, रांची, मुंबई, हैदराबाद और गोवा में छापेमारी के बाद ये गिरफ्तारियां हुई। गिरफ्तार किए गए शहरी नक्सलियों में पहला नाम है वामपंथी एक्टिविस्ट और कवि वरावरा राव का। क्रांतिकारी लेखक संघ चलाने वाले वरावरा राव के घर हैदराबाद में पहुंचकर पुणे पुलिस ने छापेमारी की। 28 अगस्त की सुबह 6 बजे पुलिस ने वरावरा राव के घर पहुंचकर सर्च वारंट दिखाया और फिर गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शहरी नक्सलियों में दूसरा नाम है अरुण फरेरा का। पेशे से वकील फरेरा को ठाणे से गिरफ्तार किया गया। 2007 में आतंकी गतिविधियों के तहत गिरफ्तार किए जाने के बाद 4 साल 8 महीने फरेरा नागपुर जेल में काट चुका है। अरुण फरेरा 2012 में बेल पर बाहर आया और 2014 में बरी किया गया। गिरफ्तार शहरी नक्सली में तीसरा नाम है वर्नॉन गोंजाल्विस का। गोंजाल्विस को 2007 में आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। 2013 में उसकी रिहाई हुई। महाराष्ट्र में नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी का महासचिव भी रह चुका है। मुंबई के एक प्राइवेट कॉलेज में कॉमर्स भी पढ़ा चुका है। अरुण फरेरा और वर्नॉन गोंजाल्विस, इन दोनों का नाम रोना विल्सन की उस चिट्ठी में भी था जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की बात कही गई थी। चौथा नाम है गौतम नवलखा। दिल्ली से गिरफ्तार मानवाधिकार कार्यकर्ता और पत्रकार गौतम नवलखा ने हाई कोर्ट से स्टे ले लिया, जिसके बाद उन्हें घर में ही नजरबंद रखा गया है। दिल्ली हाई कोर्ट आज इस मामले में सुनवाई करेगा। फरीदाबाद में हुई छापेमारी के बाद सुधा भारद्वाज को गिरफ्तार किया गया। बस्तर सॉलिडेरिटी नेटवर्क से जुड़ी सुधा को भी फरीदाबाद में उनके घर पर नजरबंद रखा गया। सुधा भारद्वाज के ट्रांजिट रिमांड पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने 3 दिन का स्टे लगा दिया है। चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने जस्टिस सांगवान साहब ने इसमें 3 दिन का टाइम दे दिया है एंड उनको रिलीज के लिए कह दिया है कि पुणे पुलिस उनको पुणे नहीं ले जाएगी एंड उसको उनको हाउस अरेस्ट रखेगी वहीं पे घर पे ही उनके अपने घर पे। पुलिस के मुताबिक ये सभी माओवादी सेंट्रल कमेटी के सदस्य हैं और पूरी नक्सल मुहिम को जिंदा रखने में इन सभी का बड़ा हाथ था। ये जो दहशत कायम है वो चाहे कोई भी करे, लेफ्ट विंग करे, राइट विंग करे, कोई करे, तो उसको ढूंढना, उसके अगेंस्ट एक्शन लेना ये सरकार का कर्तव्य। गिरफ्तार किए गए सभी लोगों के परिवारों ने आरोपों को गलत बताया है। फेक केस फ्रेम्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। ये ट्रांसिट वारंट है, ये पूना के विश्राम बाग पुलिस ने ट्रांसिट वारंट के लिए यहाँ आया। आज सुबह 6 बजे से घर में इलीगली सर्च करके ये कोर्ट को लाया। टुमारो 5 बजे के अंदर वो पूना का कोर्ट में प्रोड्यूस करो बोल के डायरेक्शन दिया। केवल सेक्शन ही बताया, जो एग्जैक्ट एलिगेशन क्या है बोल के वो अभी तक नहीं बताया, वो कोर्ट को भी नहीं बताया। माओवादी समर्थक और एक्सट्रीम लेफ्ट के आइडियोलॉग वरवर राव का अरेस्ट होना कोई नई बात नहीं है। 1973 से अब तक इन्होंने 11 साल जेल में गुजारे हैं, लेकिन इस केस में पुणे की पुलिस और प्रोसिक्यूशन इन पर लगे आरोप कैसे सिद्ध करेंगे ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा। जून के महीने में पुलिस ने भीमा कोरेगांव हिंसा में गिरफ्तार आरोपी रोना विल्सन के घर से एक चिट्ठी बरामद की थी। इसी चिट्ठी में पीएम मोदी की हत्या की साजिश का जिक्र था। नरेंद्र मोदी हिंदूवादी नेता हैं और देश के 15 राज्यों में उनकी सरकारें हैं। अगर वो इसी रफ्तार से आगे बढ़ते रहे तो बाकी पार्टियों के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। ऐसे में मोदी के खात्मे के लिए सख्त कदम उठाने होंगे। इसीलिए कुछ वरिष्ठ कॉमरेड ने कहा है कि राजीव गांधी हत्याकांड जैसी घटना को अंजाम देना होगा। ये मिशन फेल भी हो सकता है, लेकिन पार्टी में इस प्रस्ताव को रखा जाना चाहिए। मोदी की हत्या के लिए रोड शो का वक्त सबसे सही समय होगा। इस चिट्ठी में कुछ लोगों के नाम थे जिनकी जांच के बाद पुलिस ने छापेमारी की और कार्रवाई को आगे बढ़ाया। इसी कड़ी में 6 राज्यों में छापेमारी की गई और 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट में भी बड़ा खुलासा हुआ है कि नक्सलियों ने देश भर में 11 शहरों में अपना नेटवर्क बना लिया है। इन शहरों के नाम हैं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चंडीगढ़, रांची, हैदराबाद, नागपुर, पुणे, विशाखापट्टनम, तिरुवनंतपुरम और मदुरई।
नक्सली संगठन इन शहरों में रहने वाले समर्थकों के जरिए घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक नक्सली पढ़े लिखे युवाओं को अपने संगठन में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के जमुई के जंगलों में कुछ साल पहले नक्सलियों ने अपने कमांडरों के साथ एक गुप्त बैठक की थी, जिसके मुताबिक ये तय किया गया कि अब नक्सलवाद का आंदोलन शहरों में भी फैलाया जाना चाहिए और पढ़े लिखे युवाओं को ब्रेन वॉश करके अपने संगठन में शामिल किया जाए। आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धाराओं के अलावा गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत भी कार्रवाई की गई है। प्रसाद भोसेकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त पुणे में कमिश्नर ऑफिस पर मौजूद हैं राकेश त्रिवेदी। पुणे के पास भीमा कोरेगांव हिंसा हुई थी। मुंबई में वेनॉन गोंसाल्विस के घर के बाहर अंकुर त्यागी मौजूद हैं। थाने में अरुण फरेरा के घर के बाहर राजीव रंजन मौजूद हैं। हैदराबाद में वरवरा राव के घर के बाहर से प्रसाद भोसेकर हैं और दिल्ली में गौतम नवलखा के घर के बाहर राजू राज मौजूद हैं। दिल्ली के विजय चौक से मनीष शुक्ला भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले राकेश त्रिवेदी, मैं आपके पास आना चाहता हूं, क्योंकि भीमा कोरेगांव हिंसा हुई थी उसके बाद ही ये लेटर सामने आया था, उस लेटर के बाद ये तमाम तार जुड़े थे। अब ऐसे में एक सवाल ये भी उठता है कि जब कल लगातार रेड्स होती हैं, फिर उसके बाद अरेस्ट होती है गौतम नवलखा की, अरुण फरेरिया, वरवर राव और वर्णा गोंसाल्विस, सुधा भारद्वाज सब की, तो ऐसे में एक सवाल उनके वकील या और लोग भी पहुंच रहे थे कि ये जो रेड्स हुई है कौन से ऐसे सेक्शंस है, किसके तहत, क्या कुछ पहले इससे पहले रिसर्च था, यहां से क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए सचिन, ये जो पुणे पुलिस का ये जो मुख्यालय है, यही जो है सेंटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है जहां से इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन चल गई है। और जो पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनमें से तीन लोग जो है हैदराबाद मुंबई और थाने से जो गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपी हैं, उन्हें पुणे कल शाम को यहां पर लाया गया और कल देर रात जो उनसे पूछताछ शुरू हुई है, जो आज सुबह तक चल रही थी, लगातार उनसे ये पूछताछ होती गई। जहां तक सेक्शन का सवाल है, तो जो जानकारी हमें सूत्रों से मिल गई, तो इसके पहले जो जून में गिरफ्तारियां हुई थी उसमें यूएपीए जो है एक्ट है, जो सबसे स्ट्रिंजेंट एक्ट होता है, वो एक्ट के तहत जो है कार्रवाई की गई है और इनसे पूछताछ की जा गई है। और कहीं ना कहीं इनकी अगर उसमें जो कहीं ना कहीं सहभाग जो है पुलिस को दिखाई दिया, उसके साथ में जो 120 बी सेक्शन होता है आईपीसी का, जिसमें एक का क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को जो अंजाम दिया जाता है, वो भी यहां पर इंक्लूड किया जा रहा है, उसको लेकर के यहां पूछताछ हो गई है। फिलहाल जो प्राइमा फेसिया में जो जानकारी मिल गई उसके मुताबिक दो अलग अलग चीजें हैं जिसको लेकर के पुणे पुलिस यहां इन्वेस्टिगेशन कर रही है। वो पहला ये कि जो एल्गार परिषद का जो आयोजन किया गया था भीमा कोरेगांव हिंसा के ठीक एक दिन पहले पुणे के पास, क्या उसकी जो फंडिंग जो थी वो मॉइस, उसमें जो फंडिंग की गई थी, वो फंडिंग को अरेंज करने में ये जो पांच लोग हैं इनकी क्या भूमिका थी, और दूसरी कहीं ना कहीं जो मॉइस के जो विचारधारा है उसे स्प्रेड करने में इनकी मोडस ऑपरेंडी क्या थी, ये चीजों की जो जानकारी यहां जुटाई जा रही है। सबसे खास बात फिलहाल ये है कि सचिन, जो आर्टिकल्स जो जब्त किए गए अलग अलग छापेमारी में, खासतौर से अगर वर्णन गोंसाल्विस के घर से और अरुण फरेगा के घर से, यानी कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि यहां से जो एपिसेंटर था, जहां से पूरी जांच हुई, जहां से पूरी जांच शुरू हुई और वहीं से ही आगे का खुलासा होगा, वो है पुणे, ये ऑफिस, कमिश्नर ऑफिस जहां पर आप मौजूद हैं। साथ ही साथ हम ये भी बता दें कि मनीष के पास एक बहुत एक्सक्लूसिव जानकारी है इस पूरे खुलासे को लेकर के। 10:27 पर हम उसका खुलासा करने वाले, मनीष से बात करेंगे। और भी तमाम संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो आतंकी नक्सली गठजोड़ पर जी न्यूज के पास सुरक्षा एजेंसियों के हवाले से एक बड़ी खबर है। खबर यह है कि नक्सली समर्थित ग्रुप जम्मू कश्मीर में अपना नेटवर्क मजबूत कर रहे हैं। नक्सली समर्थित 15 सदस्यों का एक ग्रुप इस साल मई में जम्मू एंड कश्मीर के कई हिस्सों में गया था। नक्सली ग्रुप ने आतंकियों के उन मामलों की रिपोर्ट बनाई जो कई सालों से लंबित हैं। नक्सली ग्रुप्स अनंतनाग, बारामूला, बड़गाम, कुपवाड़ा और शोपियां के कई इलाकों का दौरा कर चुके हैं। मनीष शुक्ला इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, इस पर लगातार बात होती रही है और यह बाकायदा ऑन रिकॉर्ड है कि कैसे जो एक एक्टिविस्ट पत्रकार हैं, कैसे उन्हें श्रीनगर के एयरपोर्ट से वापस भेज दिया गया था, और आज ये कनेक्शन अगर सामने आ रहा तो ये कितना डेडली है। देखिए, नक्सलियों जो नक्सल समर्थित गुट हैं उनके 15 लोग फैक्ट फाइंडिंग कमेटी नाम से एक ग्रुप थी जिसने मई में जाकर के विजिट किया था जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में, और ये लोग कई कोर्ट में भी गए थे और आतंकियों के और पत्थरबाजों के जो केसेस चल रहे थे उसमें लीगल असिस्टेंस किस तरीके से दिए जाएं, इसको लेकर के स्ट्रेटजी बनाई गई थी। कई बार काउंसिल के वकीलों से ये जो प्रो नक्सल ग्रुप हैं उन्होंने मुलाकात की थी, और जिसका एक ही मकसद था कि किस तरीके से जो नेटवर्क है नक्सलियों का उसको जम्मू कश्मीर तक लेकर के जाया जाए। देखिए, कल से हम सचिन ये दिखा रहे हैं कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की जो साजिश रची गई उसमें नक्सली ग्रुप
किस तरीके से इन्वॉल्व थे और उनके लिए जो शील्ड का काम कर रहे थे वो सोशलिस्ट तमाम जो सोशल एक्टिविस्ट थे, पत्रकार थे, उनका एक नेटवर्क खड़ा हो गया था। लेकिन एक रिपोर्ट तैयार की गई इसके साथ ही इंटेलिजेंस ब्यूरो की, जो होम मिनिस्ट्री को दी गई, और ये कहा गया कि 11 शहरों में जो नक्सल है उसको शहरों में ले जाने की कोशिश हो रही है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, एक्टिविस्ट हैं, उनके ज़रिए लोगों का ब्रेन वॉश करने की कोशिश हो रही है। और अब ये बात सामने आ रही है कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में भी आतंकियों और अलगाववादियों के बीच एक अपनी जो लिंक नेटवर्क को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है और देश को अस्थिर करने की प्लान चल रही है, वो काफ़ी ख़तरनाक है। ऐसी बात है, प्रसाद के पास चलता हूँ। और प्रसाद, भले आज इसे शहरी नक्सली कह के कहा जा रहा है कि भीमा कोरेगांव हिंसा में जो दो नाम सामने आए थे, भिड़े और जो दूसरा व्यक्ति था उसकी गिरफ्तारी एक की नहीं हुई है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है यहाँ पर सिर्फ इन्हें टारगेट करने की कोशिश हो रही है, लेकिन आप कैसे कह सकते हैं, क्योंकि लगातार तार तो पीछे से जुड़ते रहे और वरावर राव का गिरफ्तार होना कोई ऐसा पहली बार तो है नहीं, और इससे पहले भी क्या रिकॉर्ड रहा है ऐसा भी जानते हैं। बिल्कुल सचिन, इस बात में कोई शक नहीं है कि वरवर राव का जो इन्वॉल्वमेंट है कई सारे केसेस में, हम पिछले दो दशक से उनको कवर करते आ रहे हैं। और ये जो मामला है, कल पूरे दिन हम उनके घर पर थे और शाम में उनकी पत्नी और जो है उनके सन इन लॉ से भी बात की, तो अभी तक वरवर राव 11 साल तक जेल में रह चुके हैं और 25 से ज़्यादा मामले उन पर दर्ज है। लेकिन परिवार का कहना है कि ये जो खत मिला है रोना विल्सन का और जिसमें नाम है वरवर राव का, वो फेक है। लेकिन ऐसे कई केसेस हैं, अभी भी आज भी वरवर राव के घर के आसपास जो है प्लेन क्लोथ्स पुलिसमैन रहते हैं, इंटेलिजेंस और काउंटर इंटेलिजेंस के। और लेकिन सबसे बड़ी बात ये होगी खास करके इस पुणे के भीमा कोरेगांव प्रकरण में कि कैसे और कैसे पुणे की पुलिस या प्रोसिक्यूशन इस मामले को प्रूव करती है, क्योंकि कई सारे मामले ट्रायल पर है, तो ये कोर्ट में कितना एडमिसेबल रहेगा ये एक देखने वाली बात रहेगी। और क्या वो तथ्य मिले हैं, कल वरवर राव के घर से कई सारे कागजात बुक्स बरामद किए हैं, ऐसा उनके परिवार वालों ने खुद हमको बताया था, लेकिन ऐसी कौन सी आपत्तिजनक जो है मटेरियल है जो उनके हाथ लगी है और जिसके चलते पुख्ता सबूत पुणे पुलिस के पास होगी, तो ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा। और सेम गोज विद राजीव रंजन अरुण फरेरा के केस में, 2007 में गिरफ्तारी होती है, भले 2011 में वो बाहर आ गए हों, लेकिन इतिहास तो यही रहा है एक्सट्रीमिस्ट से लिंक उनके रहे हैं, और उस वक्त भी जो पिछली सरकारें रही हैं, भले इस बार राहुल गांधी ट्वीट करते हों कि वेलकम टू न्यू इंडिया, देखिए एक्सट्रीमिस्ट की गिरफ्तारी हो रही है, लेकिन ये तो पहले से ही राडार में रहे। सचिन, जिस तरीके से अभी वो कांग्रेस की तरफ से ये ट्वीट किया जा रहा है कि एक्टिविस्ट की गिरफ्तारी होती है, लेकिन उन्हीं के राज में इस तरह से गिरफ्तारी हुई थी, वो उस वक्त वो स्पष्ट हो गया था कि आखिर किस तरीके से 2011 में 2007 में गिरफ्तारी हुई, 2011 में यहाँ से निकले थे। लेकिन जिस तरीके से जो दस्तावेज मिले हैं, जो हार्ड ड्राइव मिला है, जो कई ऐसी चीज़ें मिली हैं, वो शक के दायरे में उत्पन्न करती हैं कि आखिर इनका क्रियाकलाप क्या था, किस तरह से वर्क करते थे, दूसरे जो एक्सट्रीमिस्ट थे यानी माओवादियों से किस तरह से मिलजुल था और किस तरह से ये इन चीज़ों को यहाँ बढ़ावा देते थे। हालांकि ये जरूर स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ के आसपास के लोग ये जरूर ये बात कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा यहाँ आसपास के लोगों से वो मिलते जुलते नहीं थे, उनके यहाँ लोग अलग अलग जरूर आते थे, लेकिन कौन से लोग आते थे, क्योंकि यहाँ के जो निकटवर्ती लोग हैं वो उसे पहचान नहीं पाते थे, ये बात यहाँ के लोगों ने कहा। कुछ देर के बाद, अभी यहाँ परिवार के लोग नहीं हैं, लेकिन कुछ देर के बाद जरूर यहाँ आएंगे, उनसे हम भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर जिस तरीके से उनका वक्तव्य क्या क्या है, आस पड़ोस के लोगों से भी और बातें चीत होंगी जिसमें ये स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर जो अरुण परेरा का जो बातें थी वो किस तरीके से थी और क्या क्या चीज़ें उन किन किन गतिविधियों में थी। आमतौर पर जिस तरीके से एक्टिविस्ट है, जिस तरीके से माओवादियों को या एक्टिविस्ट को जो मदद एल्गार परिषद जो है जिसकी बैठक हुई थी और जो कि उससे सीधे तौर पर अरुण फरेरा के लिंक हैं और ये सॉलिड एविडेंस हैं। हालांकि अब देखना है कि पुलिस जब प्रोड्यूस करेगी और उसके बाद जब जिरह होगी या फिर उसके बाद जो एविडेंस या फिर सेक्शंस की बात होगी, जो मैं राकेश से बात कर रहा था, वो किस तरीके से प्रूव होगा सामने आएगा। राजू राज, जो मनीष ने जिक्र किया कश्मीर कनेक्शन का, वो भी यहां पर आता है गौतम नवलखा के घर, हालांकि उन्होंने स्टे ले लिया, लेकिन क्या पूछताछ हुई है, अभी हाउस अरेस्ट है, क्या कुछ वहां से हाल है? बिल्कुल सचिन, मैं बता दूं कि गौतम नौलखा को एक दिन का हाईकोर्ट से स्टे मिला, तो उसके बाद उनके घर जो नेहरू इनक्लेव है वहां पर उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया है। ये जो आप मेरे सामने ये घर देख रहे हैं, इसी घर में गौतम नौलखा को हाउस अरेस्ट किया गया। यहां पर
गौतम नौलखा से पूछताछ करेगी और आज लगभग 11 बजे के करीब दिल्ली हाई कोर्ट में इस पूरे मामले की हेयरिंग होगी। सूत्रों के हवाले से अगर ये भी खबर आ रही है, अगर ट्रांजिट रिमांड पर उन्हें अगर कोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो वो सुप्रीम कोर्ट का भी मूव कर सकते हैं, ये जानकारी मिल रही है। लेकिन फिलहाल गौतम नौलखा से यहाँ पर पूछताछ चल रही है। ये भी जानकारी मिल पा रही है कि ये मिडिल मैन के तौर पर काम करते थे अरवन नक्सल जो माओइस्ट हैं उनके बीच में, तो इन पर पूरी तरीके से पूछताछ चल रही है। पुणे पुलिस यहाँ पर नेहरू इनक्लेव में उनके घर पर है, उन्हें हाउस अरेस्ट रखा गया। और राकेश त्रिवेदी, एक सवाल तब भी उठ जाता है ना, इससे पहले जैसे मैं अरुण फरेरा का नाम ले रहा था, कौन सी सरकार थी, यूपी सरकार थी, 2007 में गिरफ्तारी हुई थी, वरवर राव की गिरफ्तारी हुई और उससे पहले तब भी यूपी सरकार के वक्त या फिर उससे पहले कांग्रेस की सरकार के वक्त भी किस तरह से संदिग्ध गतिविधियां रही हैं और भी तमाम चीजें रही हैं। तो ये प्रसाद, यही सवाल आपसे पूछ लेता हूं, लेकिन जब सवाल अगर उठते हैं कि आप ध्यान हटा रहे हैं या फिर शहरी नक्सलियों को गिरफ्तार कर रहे हैं, अब आप ये देखिए ना, इससे पहले की सरकारों के वक्त भी गिरफ्तारी हुई है, ये तो पहले भी रडार में रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये, महाराष्ट्र पुलिस अगर ये कार्रवाई करती है तो वही महाराष्ट्र पुलिस सनातन संस्था पर भी तो कार्रवाई कर रही थी। बिल्कुल सही बात है कि सभी जगह कार्रवाई हो रही है, लेकिन इस मामले में खास करके पुलिस के हाथ क्या ऐसा जो मटेरियल है, इंक्रिमिनेटिंग जो डॉक्यूमेंट्स है जिसकी पुणे पुलिस बात कर रही थी और कल जिस प्रकार से छानबीन की गई थी, वरवर राव के घर वालों का कहना है कि सिवाय जो बुक्स हैं या फिर कुछ पेपर्स हैं, वरवर राव एक रेवोल्यूशनरी राइटर है, एक पोएट भी है, तो उसके अलावा उनका कहना है कि ये जो भी नाम आया है उनका, उसमें कोई उनका हाथ नहीं है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि कई सालों से, कई दशकों से खास करके वरवर राव का नाम हर चीज़ से जुड़ा रहा है और ये एक नॉन नक्सल माओइस्ट सिंपथाइजर है। कई सारे मामलों में, हालांकि इनका कन्विक्शन नहीं हुआ है, लेकिन अभी भी ऐसे कई मामले हैं जिनका ट्रायल चल रहा है और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि जो अर्बन माओइज्म है, अर्बन नक्सलिज्म जो जिसको कहते हैं, वो ज़रूर सक्रिय है। कई सारे ये जो शहर हम लोग इनका नाम ले रहे हैं, उसके अलावा भी टू टायर या फिर छोटे गाँव में कई सारे स्लीपर सेल्स हैं जो अभी भी एक्टिव है। जाहिर सी बात है, तभी एक्टिव है। और यही राकेश, जो मैं सवाल हमने किया प्रसाद से, कि ये वही महाराष्ट्र पुलिस है ना जो सनातन संस्था पे भी कार्रवाई कर रही है, ये वही पुणे पुलिस है ना जो कि ऑलरेडी जो है, भले वो राइट विंग हो या लेफ्ट विंग हो या एक्सट्रीमिस्ट हो, उन पर कार्रवाई कर रही है। और ये सारे वो व्यक्ति हैं जो कि कहीं ना कहीं आदिवासी या फिर मॉइस से अगर जुड़े हुए हैं, तो इसका रिकॉर्ड पहले से है, ऐसा नहीं कि पहली बार कोई आपका सरप्राइज कोई एलिमेंट सामने आ रहा है। बिल्कुल सही कहा सचिन आपने, इनफैक्ट मैं आपको ये बात बताने वाला था कि जैसे ही महाराष्ट्र एटीएस जो है पिछले कई दिनों से सनातन संस्था से जुड़े हुए कई सब लोगों के साथ जब गिरफ्तारियां कर गई थी और उनके पास से हथियारों का जखीरा बरामद किया गया था, तब तक एक जो तबका था वो शांत बैठा हुआ था समाज का। लेकिन जैसे ही अब ये गिरफ्तारियां हुई हैं, आने वाले वक्त में आपको दिखाई देगा कि बहुत सारे अलग अलग जो हिस्से हैं, जो तबके हैं, वो एकजुट आएंगे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे, वो लोकतंत्र को खतरे में बताएंगे, वो और बड़ी बड़ी बातें करेंगे। और जबकि ये आप जो बात करें बिल्कुल सही कि ये वही महाराष्ट्र पुलिस है जिसने एक तरफ सनातन के से जुड़े हुए लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है, तो दूसरी तरफ जो अर्बन नक्सलिज्म की बात हम कर रहे हैं, माओइस्ट की जो बात कर रहे हैं, उसकी जो गिरफ्तारी की है। लेकिन जब इस मामले में हमने गिरफ्तार किए गए लोगों के परिवार वालों से जो बातचीत की, उनका अभी भी ये स्टैंड है कि चूंकि ये सनातन के मामले को दबाने की, छिपाने की जो है एक कोशिश है और इसी के साजिश के तहत जो है अब फिर से अर्बन नक्सल का जो चेहरा है वो सरकार की तरफ से सामने दिखाई देगा। तो यानी कुछ भी हो, लोगों के पास अपने तथ्य, अपने फैक्ट्स, आर्ग्यूमेंट जो है वो तैयार है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पुणे पुलिस जो इस मामले की जांच कर रही, जिसमें देश के प्रधानमंत्री को टारगेट किए जाने की साजिश रची जा रही थी, आखिर उसमें आगे खुलासा क्या होता है, और इसमें पल पल जो है नई नई जानकारियां एजेंसी के सामने आ गई हैं। और सिर्फ पुणे पुलिस ही नहीं, पुणे पुलिस लगातार इसमें जो दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उनके साथ भी टच में है, उनके साथ भी लगातार इनपुट शेयर किए जा रहे हैं। और इसमें जो, क्योंकि मामला जो है देश की जो अंदरूनी सुरक्षा है उससे जुड़ा हुआ है, देश के प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसमें हर पल जो है नई जानकारी एजेंसी के सामने आ गई है। और मनीष, मनीष ये चुनौती इस वक्त एजेंसियों के लिए और ज्यादा बढ़ जाती है जब देश विरोधी यूं कहें कि एक्टिविटीज में अगर किसी एलिमेंट्स का हाथ होता है तो उन्हें क्रैकडाउन किया जाता है उससे पहले ही, जब ना केवल आपके विपक्षी दल बल्कि एक बहुत बड़ा तबका भी फैसला सुनाने लग जाता है रेदर देन सीइंग की एविडेंस क्या है। जी हाँ बिल्कुल सचिन, देखिए बड़ी हैरानी होती है, यही चिदंबरम थे, गृह मंत्री थे, ग्रीन हंट का उन्होंने नाम दिया था, मनमोहन सिंह ने बोला था कि देश का सबसे अगर बड़ा कोई दुश्मन नंबर वन है तो नक्सली हैं, और उस दौरान भी कितने छापे हुए थे, कितने नक्सलियों को मारा गया था। और आज जब
यही जब वो विपक्ष में बैठे हुए हैं तो उनके जो बड़े लीडर हैं, अध्यक्ष हैं पार्टी के, वो इसकी तुलना किसी और चीज़ से कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि दबाने की कोशिश हो रही है। ये हैरान करने की बात है क्योंकि वो भी इस बात को जानते हैं कि किस तरीके से 11 राज्यों में एक नक्सल्स कितनी बड़ी समस्या है, कि हमारे कितने हज़ारों सुरक्षा बल के जवान शहीद हुए हैं इन नक्सलियों को ख़त्म करने में, और अब फ्रस्ट्रेशन में नक्सली जब सिटी की तरफ मूव हो रहे हैं, जब सबको इकट्ठा होकर के इनको बेनकाब करने की ज़रूरत है, तो हम ऐसे राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल ठीक है आपने कि ऐसा नहीं कि ये जो काम है अब हो रहा है, अगर कहीं ना कहीं इसके लिए अगर कहीं क्रेडिट दिया जाए तो मनमोहन सिंह गवर्नमेंट के वक्त में अगर ये कर्व डाउन हुआ था कि नक्सली सेल्स को पकड़ा गया था, शहरों तक कैसे वो हो रहे थे, तो खुद मनमोहन सिंह इस चीज को कह चुके हैं। लेकिन अब किस तरीके से मुकर सकते हैं या किस तरीके से विपक्ष इस बात को बिल्कुल जुटला सकता है कि जिन पर कार्रवाई उन्हीं के वक्त शुरू हुई थी, उन्हीं सरकार के वक्त शुरू हुई थी, आज वो कैसे पैराडाइम शिफ्ट कर सकते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि केंद्र के उठाए कुछ कदम अलोकतांत्रिक हैं और उसके खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, विपक्ष भी उनके साथ है। I think there are certain actions that are being taken at the national level by the government which are undemocratic, and we are fighting that battle. The opposition is united in fighting that battle. There are two different visions of India. One is a centralized vision and the other is a decentralized vision. One respects only one ideology based out of Nagpur, and the other respects all the different states, all the different ideas, all the different cultures, all the different people in this country. So that fight is on, and I assure you that we are fighting that fight. तो एक बार फिर से नागपुर से जुड़ते हुए, संघ से जुड़ते हुए राहुल गांधी, लेकिन सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा सवाल यहां पर राकेश पुणे पुलिस के लिए हो जाता है, यहां पर महाराष्ट्र पुलिस के लिए हो जाता है, एटीएस के लिए हो जाता है, कि वो अब ऐसे अगर अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज के तहत अगर ये गिरफ्तारियां हुई है, तो अगर विपक्ष पहले से उसको लेकर के फैसला दे रहा है और तमाम लोग पहले ही बोल रहे हैं, तो सबसे बड़ी चुनौती हो जाती है कि उसे कैसे अप्रूव करेगा, कोर्ट में जब पेश किया जाएगा तो क्या कुछ सेक्शन दिखाए जाएंगे, लगाए जाएंगे, ये सबसे बड़ी शायद चुनौती होगी अब पुलिस के लिए। निश्चित तौर पर ये एक चुनौती होगी, लेकिन जब अधिकारियों से बातचीत हो गई है तो उनका ये कहना है कि वो इस चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनके पास जो है काफी बड़े और अहम सबूत जो है उन्होंने इस मामले में इकट्ठा करने के बाद ही ये कार्रवाई की है। और जैसे कि मैं आपको पहले बता रहा था, जो बीती रात से जो तलाशी चल रही थी उसके अंदर जो हार्ड डिस्क, लैपटॉप जो बरामद किए गए उसमें कई सारे जो सेंसेशनल जो इन्फॉर्मेशन है वो पुलिस को हाथ लगी, जिसमें कुछ लिटरेचर शामिल है। खासतौर से अगर इसको मैं मोटे तौर पर अगर आपको बताऊं तो इसमें ऐसी चीजें जो कुछ बातें ऐसी जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट है, सरकार के विरोध में है, तो दूसरी कुछ बातें ऐसी हैं जो पहले इस मामले में गिरफ्तार किए गए हैं, जिन पर पहले से ही नक्सलियों के साथ संबंध होने के आरोप लगे हैं, उन लोगों के समर्थन में लिखा हुआ लिटरेचर है। इस लिटरेचर का इस्तेमाल वे कहां करना चाहते थे, कैसे करना चाहते थे, इसकी छानबीन जो है फिलहाल अब पुलिस जो है पूछताछ करना चाहती है। तीन आरोपियों को जो पुणे लाया गया है, बीती रात से उन्हें अलग अलग एक एक करके उनसे पूछताछ की जा रही है, आज उन्हें कोर्ट में प्रोड्यूस करने के बाद जब उनकी रिमांड ली जाएगी तब उन्हें कहीं ना कहीं बीच में एक साथ में बिठा सबसे बड़ा एक लेटर मिलता है बकायदा, उस लेटर में कैसे एक साजिश का प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जिक्र होता है, उसी से लिंकेज होता है और यहां तक कह दिया जाता है कि यहां पर प्रिवेंट करने के लिए, हालांकि पुलिस का काम है ये चीजें बताना और सुरक्षा एजेंसी को अपना काम करने देना चाहिए, कि नहीं वो लेटर ही फर्जी था, उसकी वैधता यहां पर खुलेआम बता दी जाती है, जबकि अभी वो लेटर जो है वो साफ पता लग रहा है कि कैसे उसके तार जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।